हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल अनाज मंडी का दौरा किया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दो टूक कहा कि सरकार किसानों के साथ अलग अलग प्रयोग ना करे। सरकार को किसान की मर्जी पर छोड़ना चाहिए कि वो पेमेंट कैसे लेंगे। आपको बता दें कि करनाल अनाज मंडी में पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों की फसल को लेकर कहा कि मंडियों में किसानों की फसल आ गई है पर सरकार खरीद नहीं कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कह दिया कि सरकार किसानों पर प्रयोग करना छोड़ दे। हुड्डा ने कहा कि 72 घंटे के अंदर किसानों को उनकी फसल की पेमेंट देने की बात कही गई थी लेकिन किसानों को अभी तक पेमेंट नहीं दी गई है। बबैन मंडी गया, लाडवा मंडी गया, कुरुक्षेत्री मंडी गया और करनाल की मंडी में यहाँ पर मैंने किसानों से भी बात करी, आढ़तियों से भी बात करी और मजदूरों से भी बात करी। ये जो सिस्टम चलाया है, मेरा फसल मेरा बारा, पहले तो गिरदावरी लेट हुई और 16 लाख किसान हैं हरियाणा में जिनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि केवल 8 लाख की हुई है, तो 50% किसान कहाँ जाएंगे। कई महीनों में 8 लाख की हुई है और 2 दिन दिए गए बाकी 8 लाख करने के, और पोर्टल भी इतना लोड नहीं ले रहा है। अभी वहाँ लाडवा मंडी में एक किसान मिला मेरे को, उसने कहा जो अकाउंट नंबर मैंने दिया था अकाउंट नंबर ही बदल गया पोर्टल की गलती से, तो किसके अकाउंट में पैसा जाएगा, सारा ये कन्फ्यूजन, ये सिस्टम नहीं। तो किसान भी परेशान है क्योंकि आज अगर किसान की फसल बिकती है, तो पकती है खेत में, तो उसको इंतजार करना पड़ता है, मैसेज आएगा जब जाएगा, मैसेज आए 10 दिन तक, तो वो बीच में बारिश आए तो उसे खराब हो जाए, तो पहले उसको फसल पकते ही अपने घर ले जाना पड़ेगा और घर से बाद में मैसेज आए जब मंडी लेना पड़ेगा। उस पर जो खर्च होगा लॉजिस्टिक का, वो कौन वाहन करेगा, और खेत में छोड़ नहीं सकता वो, क्योंकि बारिश हो जाए, जैसे अभी 2 दिन पहले बारिश खराब हो जाए। जो पहले सिस्टम था, आड़ती कोई बिचौलिए नहीं है, ये फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करते हैं किसान को। पहले सिस्टम था फसल पकते ही किसान अपने आड़ती के पास रख देता था, पक्की यहाँ बनी हुई है, आड़ती अगर बारिश आती तो आड़ती उसके ऊपर तिरपाल लगवाता था, उसकी फसल को बचाता था। ये मिलजुल के काम इनका चलता था और मजदूर जो रोज की रोज अपनी झाड़ी लेते हैं गांव मंडी में, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का है, क्योंकि वो आड़तियों से एडवांस भी ले लेते थे और उसे हिसाब भी करते थे। अब वो कैसे हिसाब करेंगे किसान से, कैसे होगा, कोई इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो एक तो ये कानून जो है, ये जो इन्होंने तरीका बनाया, ये गलत है। सरकार को चाहिए किसान स्टेक होल्डर्स जितने हैं, किसान आड़ती और मजदूरों से ही बात करे, उसके हिसाब से करें। और जैसा फैसला हुआ था पिछले साल भी, मैंने कहा था ये ऑप्शन किसान के साथ छोड़नी चाहिए, किसान की मर्जी पे छोड़नी चाहिए, चाहे वो अपना सीधा ले या आड़ती द्वारा ले। किसान की ऐसा कभी जबरदस्ती का हमने देखा नहीं, भाई उसको जबरदस्ती करे किसान को, किसान का उसका दामन चोली का साथ है तो कई बार है, और जो है उसके ऊपर और जो लागत बढ़ती जा रही है। आज ही आपने देखा खाद 1200 रुपये का कट्टा था जो, वो आज 1900 का हो गया। जो एनपीके का 1135 का कट्टा था वो 1700 का हो गया। 50 से 60% जो है किसान की कीमत बढ़ा दी। और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर 14% तक का था, उसको 12% ले रहे हैं। 12% का मैंने वहाँ करनाल में वो करवाया है, लाडवे में रिजेक्ट कर दिया गया मॉइस्चर की वजह से। मैंने मॉइस्चर टेस्ट करवाया, 11% मिला। क्या तो 11% तो है, ये एक किस्म से एक ऐसी तलवार लटका दी किसान पर। अब भी मैं देख रहा था, ये जो सामने गेहूं की ढेरी पड़ी है, अभी मॉइस्चर की रिपोर्ट मैं मंगाऊंगा, बिल्कुल सूखी पड़ी है,
क्यों नहीं उठा रहे इसका? वायदा था इनका, जो इनके वायदे थे सारे खोखले निकल रहे हैं। आढ़तियों की समस्या आपने सुन ली, पिछली बार जीरी में जो आढ़त इनको मिलनी थी, जो ब्याज मिल रहा था, आज तक नहीं मिला इनको। और किसान का ये वायदा था भाई 48 घंटे में उसको पेमेंट मिल जाएगी, अब 3 तारीख से यहाँ उठान शुरू हो गया। वैसे तो 1 तारीख से होना था, 1 तारीख से कहा था, कहा 1 तारीख से था, लेकिन 3 से शुरू करा, आज तक नहीं पेमेंट मिली किसान को। कब आई फार्म तैयार होगा, कब उसको पेमेंट मिलेगी? उसको ब्याज की जो वायदा किया है वो आया, सरकार ब्याज देगी नहीं देगी? तो ये जो है ये सरकार को आत्म मंथन करके और तीनों का स्टेक होल्डर्स की बात करके इनका समाधान निकालना चाहिए, ताकि किसान की भी सुविधा हो, आढ़तियों की भी सुविधा हो और मजदूर को भी अपनी मजदूरी समय पर मिले। आज इसके वजह से तीनों, किसान भी, आढ़ती भी और मजदूर भी, तीनों जो है अलग परेशान। जहाँ प्रजातंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, अब जैसे आढ़तियों ने बात उठाई, ये उसका प्रजातांत्रिक अधिकार है। और ये बात ठीक है कि मैं कभी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा कि विरोध प्रदर्शन गरिमाओं में किया जाता है, लेकिन जो किसान आंदोलन इतनी शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है 4 महीने से, मैं अपने जिंदगी में ना देखा है ना सुना है। तो शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चलाना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना, अपनी आवाज़ में ताकत पैदा करना, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है, इसको दबाया नहीं जा सकता। इसको पर झूठे केस बना के या लाठी चला के ये दबने वाली नहीं, चुनी हुई सरकार है ये, इसको लोगों की बात सुननी चाहिए, जनहित का फैसला करना चाहिए और आत्म तो इनको निरीक्षण करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जितने फैसले हैं इनके जन विरोधी हैं। सर आपको लगता है कि जो मोटा साहब आपकी बात हुई है चीफ मिनिस्टर के साथ इस विषय को लेकर, या राज्यपाल से बात हुई हो, किसानों की इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है गेहूं खरीद को लेकर, तो हो रही है बात रोज आकर इसी वास्ते तो मैं समस्या की विषय आया हूँ। चीफ मिनिस्टर से आपने बात की या चीफ मिनिस्टर से? तो आप माध्यम है ना जी, जी ओके, आप आपके माध्यम से बात कर रहे हैं। जैसे जो करनाल में मुख्यमंत्री जी को चाहिए था सारी सर्वदलीय मीटिंग बुलाते कि भाई समस्या इसका समाधान कैसे हो, तो विचार करते हम। अब आप हमारा तो उनकी तक पहुँचाने का आपका ही माध्यम है, आपके माध्यम से बात जानी चाहिए। और जो आज खाद की कीमत बढ़ी है वो तुरंत सरकार को वापस देनी चाहिए, जो इमीडिएट रोल बैक। और जो बिजली की 2 महीने की गारंटी, जो जो उन्होंने कहा 2 महीने की जो बिल है उसकी गारंटी नॉन रिफंडेबल, ऐसे ऐसे फैसले जो किसान के ऊपर बोझ बनने। आज आप देख रहे हैं डीजल का क्या भाव हो रहा है, खाद का बढ़ रहा है, हर हिसाब से बिजली के उसमें लगा दिया, तो लागत तो बढ़ रही है किसान की जबरदस्त तरीके से। और वो खाली किसान की बीमार नहीं, वो आम आदमी पे महंगाई इतनी बढ़ हो जाएगी कि आम आदमी का जीना दुर्लभ हो जाएगा। आपको लगता है सेंटर के अंदर जो कांग्रेस है फिलहाल वो गांधी परिवार से बाहर आएगी तो कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी? गांधी का परिवार, गांधी जो हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी हमारी नेता है, प्रधान है हमारी। जो आढ़ती है उसकी बजाय डिपो होल्डर के माध्यम से गेहूं की खरीद की जाएगी और एफपीओ के टेंपरेरी तौर पे। देखिए पहले ही मैं ये कह रहा हूँ सरकार को, किसान के साथ प्रयोग मत करो, किसान का सहयोग करो। नए नए प्रयोग करते हैं और आज संकट में पड़ा है किसान। मैं सारा क्यों नहीं अडानी के राइस में भेजा जा रहा, अडानी के गोदामों में भेजा जा रहा, पुंडरी सारा क्यों, पुंडरी में मंडी का ताला लगा दिया और वहाँ कह दिया कि सारा क्यों साइलोज में जाएगा, अडानी के साइलोज में। देखिए साइलोज में जाएगा, साइलोज तक ले जाने का जो उस पर लॉजिस्टिक बोझ आएगा किसान पे, उसको कौन देगा? ये जो है ना, बगैर सोचे समझे कोई फैसला करना और बगैर सलाह के करना, ये
नहीं है, जन नहीं है, क्या ये मंडी को बंद करने का प्रयोग है? मंडी बंद करने की साजिश है, उधर जो बीज दे रही है उसका जो मॉइस्चर है, जो बीज दे रही है सरकार उसका मॉइस्चर ही 14 है और एंड टाइम पर 12 कर दिया गया। गलत है, कागजों में नहीं है, वो 14 ही है, कागजों में आज भी 14 है, लेकिन 12% छोड़ो, 11% को नहीं ले रहे, मनमानी की जाए 11 और क्या। तो परेशान नहीं, जब आज किसान परेशान है, ये बिल्कुल फेल सरकार है, विफल सरकार है। एक तरफ किसान आंदोलन कहते हैं हुड्डा साहब की, जो किसान सड़कों पर बैठा है वो मुट्ठी भर किसान है, वो मुट्ठी भर है, इस विषय में क्या कह रहे हैं? आज किसान 4 महीने हो गए, पूरे देश का किसान कोई अकेले हरियाणा का नहीं, पंजाब से, राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से आगे बैठे हैं किसान, अपनी मांग लेके बैठे हैं, और जो उनकी मांग है वो जायज मांग है। आज किसान को, सरकार को उससे हाथ बढ़ाना चाहिए, किसान से हाथ बढ़ाकर, हाथ मिलाकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये तो उससे पंजा लड़ा रही है, पंजा लड़ा रहे नहीं चाहिए, किसान तो अन्नदाता है, किसान वो तो अकेला है, खाता पूरा हिंदुस्तान है। क्या ये आंदोलन 2024 तक जाएगा? क्या ये किसानों का आंदोलन 2024 तक जाएगा? हम तो कह रहे हैं किसानों की मांग मांग लो, आंदोलन जल्दी कर, किसान को भेजो जो अपने अपना काम संभाले, अपना घर छोड़ के बैठे। हुड्डा साहब बीजेपी की नेत्री है सोनाली फोगाट, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम कर दिया, किसानों ने क्या बिगाड़ लिया? तो आप देख रहे थे तस्वीरें करनाल की नई अनाज मंडी से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज यहाँ मीडिया से रूबरू हुए, करनाल की अनाज मंडी का दौरा किया, उनके साथ पूर्व विधायक सुमिता सिंह, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, कुलदीप शर्मा के अलावा सरदार त्रिलोचन सिंह, पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान भी मौजूद रहे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से, मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस करनाल। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।